नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। रिया चक्रवर्ती ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत से 13 जून को रिया चक्रवर्ती मिली थी। आखिर ये बड़ा खुलासा रिया चक्रवर्ती अब क्यों कर रही है? क्योंकि जब सीबीआई की टीम सुशांत सिंह मामले की जांच कर रहा था, तब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ये नहीं बताया था कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती का कोई भी मीटिंग हुआ था। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती का ये बड़ा बयान इस केस में एक बड़ा मोड़ ला सकता है कि रिया चक्रवर्ती अगर 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी तो क्यों मिली थी? आखिर रिया चक्रवर्ती को किसने सुशांत सिंह राजपूत के पास भेजा था? जब रिया चक्रवर्ती से इस बात की पूछताछ की गई, तब रिया चक्रवर्ती ने यह साफ साफ बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद उन्हें कॉल करके बुलाया। लेकिन सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक जांच की टीम जब सुशांत सिंह राजपूत के फोन को चेक किया, उनका फॉरेंसिक जांच लाया सामने, तब कहीं पर भी ये डिटेल्स नहीं मिला कि सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को 13 जून को बुलाया था। आखिर रिया चक्रवर्ती ये झूठ बोल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ही उन्हें 13 जून को बुलाया था। मैं आपको बता दूं, अब रिया चक्रवर्ती का ये बड़ा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में एक बड़ा मोड़ ला चुका है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने ये खुलासा किया कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत से वो मिलने गई थी, तो सिर्फ वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ भी बड़े लोग गए थे। आखिर उन्हीं लोगों का ये बड़ा साजिश, बड़ा चाल था जो कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने का इतना बड़ा प्लान बनाया था। अब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती उन सभी लोगों का नाम, सभी लोगों का लिस्ट अब सीबीआई को सौंपने वाली है। ये भी बताने वाला है कि आखिर 13 जून को रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कौन सब सुशांत सिंह राजपूत से मिलने के लिए गए थे। मैं आपको बता दूं, सीबीआई की टीम, एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती को काफी टॉर्चर कर रही है। काफी उनसे सवाल जवाब अभी भी किया जा रहा है जेल में कि आखिर रिया चक्रवर्ती 13 जून को क्यों मिलने गई थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया था, उसके पीछे कौन लोग छुपे हैं, क्या बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार इसके पीछे हैं। अब उन लोगों का भी पर्दाफाश होने वाला है। वही दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का सबसे करीबी दोस्त गणेश इवारकर को भी अब दिल्ली पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं गणेश इवारकर ने यह साफ साफ बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए वो प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी किसी के कहने पर ही अब गणेश इवारकर को हिरासत में लेना चाहती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, गणेश इवारकर के सपोर्ट में रिपब्लिक भारत आ चुका है, जो कि अब गणेश इवारकर का पूरा हिफाजत कर रहा है। कहीं ना कहीं गणेश इवारकर को भी अब उसी तरह से जेल में धकेला जाएगा जो कि दूसरों के कहने पर अब दिल्ली पुलिस भी इसी तरह से कर रही है। क्या गणेश इवारकर को भी जेल किया जाएगा या रिपब्लिक भारत गणेश इवारकर को बचाती है? मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती का ये बड़ा खुलासा, इसमें जो भी बड़े एक्टर, जो भी बड़े लोग थे, अब सभी लोगों का लिस्ट सामने आने वाला है। क्योंकि 13 जून की रात क्या सब हुआ था ये रिया चक्रवर्ती बखूबी जानती है। अब उन सभी लोगों का लिस्ट जो कि अब सामने आ जाएगा, सभी लोग गिरफ्तार होंगे। जी हां दोस्तों, आप देखने वाली बात है कि सीबीआई की टीम उन लोगों को कब पूछताछ के लिए बुलाती है, उन लोगों से कब जाके पूछताछ करती है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन लोगों ने क्या सब किया था। जैसे इसके बारे में कुछ नया अपडेट सबूत सामने आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पर जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।